दूसरी भविष्यवाणी है भूकंप, नॉर्मल भूकंप नहीं, 3.5.7 से स्टार्ट होगा, 7 पॉइंट तीव्रता जिससे गति होती है 7 से स्टार्ट होगा, 7, 7.5, 8, 8.5 अधिक से अधिक जाएगा और भयंकर आएगा इंडिया से लेकर बाहर तक, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया कपकपा जाएगी, लिख लो आसारी। और पांचवा है, पांच के अंदर दो है जहाज, समुद्र हो या पानी के, यानी कि पानी के जहाज हो या हवाई जहाज, विपत्ति देखोगे पानी के जहाजों को पे भी संकट आएगा और ऊपर के जहाजों पे भी संकट आएगा। पांच भविष्यवाणियां है ये, पांच भविष्यवाणियां, भयंकर कपकपा जाएगी पूरी दुनिया इन। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भूकंप के तेज झटकों से दहला कैरिबियाई देश हेती, हेती में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई है। हेती में भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। तेज भूकंप से हेती में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। तस्वीरें देखिए जो दिखा रही हैं कि किस तरह का तेज भूकंप था जिसकी वजह से इमारतों में दरार दिखाई दे रही है। 7.4 तीव्रता का भूकंप हेती में आया है जिसकी वजह से देखिए सड़क से लेकर दीवार तक में बड़ी और लंबी दरार दिखाई दे रही है। इस भूकंप की वजह से सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। हेती में तबाही के दृश्य सामने आए हैं, कई इमारतों में दरार पैदा हो गई तो कई इमारतें धराशायी हो गई। ये कैरेबियाई देश है हेती, जहां पर एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अब प्राकृतिक आपदा की वजह से भी हेती के लोग परेशान हैं। भूकंप आया है 7.4 तीव्रता का और भूकंप के बाद देखिए किस तरह का दृश्य है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई इमारतें धराशायी हो गई, कई इमारतों में, सड़क में, दूर दूर तक जगहों में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं क्योंकि एक बड़ी तीव्रता का भूकंप हेती ने महसूस किया है। 7.4 तीव्रता का ये भूकंप आया है कैरिबियाई देश हेती में। हेती में पहले ही राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आम लोगों के लिए जिंदगी काफ़ी मुश्किल हेती में इस समय है। कुछ समय पहले ही उनके राष्ट्रपति की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और अब हेती में प्राकृतिक आपदा की वजह से नई मुसीबत लोगों के सामने उठ खड़ी हुई है। दो तस्वीरें देखिए किस तरह से इमारत धराशायी हो गई और हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। भूकंप के बाद की ये तस्वीर है और भूकंप के बाद की एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सड़क पर बड़ी और चौड़ी दरार दिखाई दे रही है। उसी तरह से इमारतों में भी बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। इस भूकंप की वजह से कैरेबियाई देश हेती में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और बड़ी खबर है टर्की के कहरामन मारस में बड़ा विमान हादसा हुआ है। दक्षिणी टर्की में आग बुझाने वाला जहाज क्रैश हो गया है। विमान हादसे में 5 रूसी और 3 टर्की के लोगों की मौत भी हो गई है। टर्की सरकार ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। बड़ी खबर है साउथ अटलांटिक में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 रही। साउथ अटलांटिक में सुनामी का कोई खतरा फिलहाल नहीं।